नमस्कार आमर स्वास्थ्यभित्तिक कार्यक्रम डॉक्टर डॉक्टर को स्वागत करुच मो पूर्व दर्शक बंधु केतेबेले अजणा रोगर कहानी तो केतेबेले रोगठारु दूरे रहिबार टिप्स तो पुणी केतेबेले सचेतनता पई आह्वान केवल सेतिक नुहे मेडिकल साइंस रो नुआ नुआ ट्रेंड आ ओडिसा रे हाईटेक स्वास्थ्य सेवा विषय रे आपन मानकु सचेतन करबा पई आमर ए कार्यक्रम डॉक्टर डॉक्टर दर्शक बंधु आज फैशन कॉन्शियस सोसाइटी रे समस्ते चाहती स्लिम एवं अट्रैक्टिव फिगर किंतु समस्त पक्षे यह मेंटेन करिबा सहज नुहे बा संभव मध्य नुहे निकट एक सर्वे जना पड़ी जे 16 रु 28 वर्ष वयस पिलांक क्षेत्र रे ए ओबेसिटी बा मोटापा देखा देथे तेबे मोटापा बा ओबेसिटी हृदरोग एवं डायबिटीज परी गुरुतर रोगर मुख्य कारण तेबे काहेक बढ़े ओजन मेद बहुलतारु क्यों रोग हुए एवं यार उपचार विषय जानवा प्रोफेसर डॉक्टर जयंत कुमार दास डॉक्टर दास आपको स्वागत करुच आलोचना नमस्कार आजिकल बोध हुए कन्सियस सोसाइटी में अनेक लोक मेद बहुलतार शिकार होती मोटापार शिकार होते बोध हुए 10 रु 5 6 व्यक्ति ये शिकार होते हैं तेरे डॉक्टर दास जानवाक चाहबू जो ओजन काहेक बढ़े देखु आमर जो देखुं आपड़ जोटा कहले आजिकल प्राय समस्ते मोटापाटा बहुत बढ़ी सब क्षेत्र में देखिए पे क्षेत्र हो यंग मास हो कि आडल्ट मास हो तो मोटापार मुख्यतः आपड़ देखिए तीन टी कारण अच्छी गोटे आमर डाएट सेकेंड है एक्सरसाइज आउ थर्ड है स्ट्रेस तो आमर डाएट देखिए आपण डाएट्र जो लाइफ स्टाइल ये तीन टा जदि आप मिसेबे आमर जो लाइफ स्टाइल अच्छी सेटा बहुत चेंज हो जाइए आम जंक फूड खाऊचे ओवर ईटिंग करुचे डाएट्र कौन सी टाइमिंग नाई तो डाएट्र जो फ्रिक्वेन्सी आउ टाइमिंग रहा कथा आउ बालांस डाएट हवा कथा तो आम कौन खाऊचे आम ध्यान देवा कथा फैट कंटेन्ट्स आउ प्रोटीन कंटेंट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट युवक सब गोटे बालांस डाएट रहा कथा से सहित एक्सरसाइज जमा हो ना अच्छा तो बहुत क्षेत्र में बिजी शेड्यूल जो आम एक्सरसाइज करूने आउ थर्ड है स्ट्रेस फैक्टर जो स्ट्रेस जो आम कौन करुचे बेले बेले ओवर ईटिंग भी करुचे आपड़ देखिए केत गोटे सब्सटा थाए एंडोरफिन कहते तो सेटा मूड एलिवेट कै तो बेले बेले देखिए स्ट्रेस लोक मैंने बेसी खाते आउ प्लस स्ट्रेस हार्मोन सब जहाँ सिक्रेशन हुए से आपंकर ओबेसिटी बा मोटापा हुए अर्थात डॉक्टर दास कहपर जो तीनोटी मुख्य कारण आप जो कले स्ट्रेस तहत वर्कलोड जहाँ कह सहित अधिक खाइबा तहत एक्सरसाइज न करवा यह हूँ मोटापार मुख्य कारण तेरे डॉक्टर दास जानवाक चाहिए मेद बहुल लोक कौन कौन रोग हुए कौन सब रिस्क फैक्टर रही सेमती देखा गले ओबेसिटी बहुत रोगर मुख्य कारण आदि आप मेन देखिए ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन गोटे बहुत कमन ओबेसिटी लोक मानकर एडा हुए सेकेंड है डायबिटिस आउ थर्ड है आजिकल देखिए जो आंठू आर्थराइटिस होची आंठू गंठी जो बिंधा होची तो थर्ड है सेटा मुख्यतः ये तीन टा रोग बहुत हुए यहाँ उभय पुरुष और नारी क्षेत्र में देखा जाए ता सहित तो देखिए जो लेडीज मानकर ओबेसिटी जो पीसीओडी हुए जो थे कि इनफर्टिलिटी गोटे मुख्य हुए रोग गोटे तो यही सब रोग मुख्यतः ओबेसिटी बा मोटापा लोक क्षेत्र में देखा दिए अर्थात संयुक्त दास डॉक्टर दास महिला माने यार अधिक शिकार होती अधिक आक्रांत होती मोटापा हाँ उभय पुरुष और महिला शिकार होता किंतु महिला मान क्षेत्र में मुझे कहली स्पेसिफिक जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम प्लस आर्थराइटिस प्रॉब्लम भी अधिका देखा जाए तो ओबेसिटी जो बैक पेन हवा ये सब तो यहाँ महिला मान क्षेत्र में बेस अर्थात यहाँ कहुए ओजन बढ़े आंठू गंठी समस्या देखा जाए अंटार समस्या देखा जाए देखा जाए निश्चय निश्चय तेज पुरुष क्षेत्र में पुरुषों क्षेत्र में जमी कहली कमन रोग है आपंकर हाइपरटेंशन है डायबिटीज है ता सहित तो भी आंठूगंठी समस्या देखा जाए तो यही सब मोटापार मानते मुख्यतः जदि जो मेन डिजीजेस कहे तो यह हूँ मोटापा ओबेसिटी जो मान क्षेत्र देखा ओके डॉक्टर दास यहाँ जानवाक चाहूँगी मोटापार पारामीटर कौन के मोटा हेल्ले गोटे लोक को आपपारे आप रिकग्नइज करते ये मोटापार शिकार हो हाँ एटा गोटे भल क्वेश्चन आप पचारे जे आम कहे से मोटा बोली किंतु तापाई गोटे मापदंड रहिबा आवश्यक तो से मापदंड हैला आम कहू बॉडी मास इंडेक्स बा बीएमआई कही था तो ताकु गोटे कैलकुलेशन करा जाए जे जनकर ओजन के जी रे केते अच्छी सहित हाइटा मीटर रे केते रहुची तो ओजन बाय मीटर स्क्वायर
ସେଇଟା ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନରେ ଯେତିକି ହେଲା ତ ତାହାର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଡେସନ୍ ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେ କାଲକୁଲେସନରୁ ତାଙ୍କର 26-30 ଭିତରେ BMI ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଓଭରୱେଟ୍ କାଟେଗୋରିରେ ନିଆଯାଏ। ଆଉ ଯଦି 30-35 ଭିତରେ ରହୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରେଡ୍ 1 ଓବେସିଟି କହନ୍ତି। 35-40 ଭିତରେ ରହିଲେ ଗ୍ରେଡ୍ 2 ଓବେସିଟି କହନ୍ତି। 40-45 ହେଲେ ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଓବେସିଟି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 45ରୁ ବି ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମର୍ବିଡ୍ ଓବେସିଟି କହନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି BMI ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋଟାପାର ମାପଦଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରଫ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାଇଟ୍ଟା ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଅଛି, ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି 150 cm, ତ ତାକୁ ଆପଣ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 100। ତ କେତେ ହେଉଛି 50 ହେଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ 50-55 ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଫ୍ କାଲକୁଲେସନ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡଲ୍ଟ ପରେ ଯେଉଁ ଜଣେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ହାଇଟ୍ଟା ଆପଣ ସେଣ୍ଟିମିଟର କାଲକୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ -100 କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେତିକି ଆସୁଛି ସେତିକି ତାର ଓଜନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରଫ୍ କାଲକୁଲେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ବା ଯେଉଁଟା ପ୍ରିସାଇଜ୍ କହିବେ ଯେ ମୋଟାପାର ମାପଦଣ୍ଡଟା କ'ଣ, ତାହେଲେ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବା BMI। ତ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଓଭରୱେଟ୍, ଗ୍ରେଡ୍ 1, ଗ୍ରେଡ୍ 2, ଗ୍ରେଡ୍ 3 ଆଣ୍ଡ ମର୍ବିଡ୍ ଓବେସିଟି। ଓକେ ଡକ୍ଟର ଦାସ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଯେଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ମେଦ ବହୁଳ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ହୁଏ, ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହଁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ କହନ୍ତି ଯେଉଁଟା, ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ହୁଏ। ପାଦରେ ଘା ହେବା, ପାଦରେ ପାଦ ଫୁଲିବା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଯେମିତି ବୟସ ବଢ଼ିବ ମୋଟାପା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖାଦିଏ। ଡକ୍ଟର ଦାସ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମୋଟାପା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ରୋଗ? ତ ମେନ୍ଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ବେଶୀ ଖାଇବା, ତା ସହିତ ସେମାନେ ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ TV ଦେଖିକିରି ବା ମୋବାଇଲ୍ ଖେଳିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଓଭର୍ ଇଟିଂ ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଓବେସିଟି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ୟଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏସ୍ପେଶାଲି ମିଡିଲ୍ 25-35-40 ଭିତରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ମୋଟା ବା ବେଶୀ ଓବେସିଟି ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମେଦ ବହୁଳତାର କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର କ'ଣ? ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଓବେସିଟିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କେମିତି ସେମାନେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଗେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା କଥା BMI, ତାକୁ ବି କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁ ଯେ ତାଙ୍କର BMI କେତେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲ୍ କରିଥାଉ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାକୁ ଡାଏଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଡାଏଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, କେତେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଖାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ସହିତ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଆପଣ 30 minutes per day into 5 days per week। ତ ଏତିକି ମିନିମମ୍ ଆପଣ 30 minutes ପ୍ରତିଦିନ 5 ଦିନ, ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 1-2 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଉ ଯେ ସେ କେତେ ଦୂର ଡିଟରମିନ୍ଡ ସେ ତାହାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ, ସେ ତାର ଡାଏଟ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଫଲୋ କରିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ BMI କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁ, କିଛି ସେଇ BMIରେ କମିଲା ନା କ'ଣ ଦେଖୁ। ଦେଖିଲା ପରେ ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ। ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଉ। ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଲଗା, ତା'ର ଫଙ୍କସନ୍ ଅଲଗା, ତା'ର ସବୁ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଅଲଗା। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ନହେଲେ ବାରିଆଟ୍ରିକ୍ସ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର ଦାସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ଯେମିତି ଟର୍ମଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍, ତ ଲିପିଡ୍ ଅର୍ଥ ଫ୍ୟାଟ୍, ସକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ସକ୍ ହେଉଛି। ତ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥ ବଡିର ଫ୍ୟାଟ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ସକ୍ କରିକି ବାହାର କରିଦେଇପାରୁଛେ ତାକୁ ଲାଇପୋସକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ବହୁତ ସହଜ, ଜଷ୍ଟ ସକ୍ କରିଦେବା, ବଟ୍ ସେଇଆ ନୁହଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ତଳ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ
आमर फैटा जो डिपोजिट हुए बॉडी रे स्किन तले फैट डिपोजिट हुए सहित इंटरनल ऑर्गन सहित एसोसिएटेड फैट भी थाए तो दुईटा जाक फैटर वृद्धि हुए इंटेस्टाइन बा इंटरनल ऑर्गन सहित जो फैट थी प्लस स्किन तले जो फैट थी किंतु लाइपोसक्शन मध्यम केवल आम स्किन तलर जो फैट टी अच्छी काढ़ी परिबा इंटरनल ऑर्गन बा जो इंटेस्टाइन पाखरे जो फैट अच्छी ताकु आम काढ़ी पारिबानी तो लाइपोसक्शन गोटे जो पद्धति हुए कौन कराए गोटे मनीष को जेनेराल एनेस्थेसिया दि जाए जेनेराल एनेस्थेसिया देले से पूरा बेहोस ही जिबे बेहोस हेला परे तांकर जो एरिया रो फैट कढ़ा जिबो से एरिया ऑपरेशन एनेस्थेसिया दबा पूर्वरु प्रॉपर मार्किंग हेइथाय जे एई एरिया रो आमे फैट काढ़ीबा तो सेई एरिया रे गोटे छोटो छिद्र करा जाय सेठी गोटे गोटे नळी भलिया गोटे बाडी टे से पटे पूरा जाय से कोन करे से फैट गुडा को ब्रेक करिकरी ताकु से ताकु सॉक कर दिए तो सेई भलिया लाइपोसक्शन माध्यम रे आमे गोटे नॉर्मल सेटिंग रे एवरेज 5 लिटर 6 लिटर फैट आम बाहर कर दे साइड इफेक्ट नहीं निश्चय यह जेकोसी गोटे सर्जरी तो साइड इफेक्ट अच्छी तो साइड इफेक्टा दुई भाग में विभक्त गोटे एनेस्थेसिया रिलेटेड किसी भी कॉम्प्लिकेशन हो पाए आ गोटे सर्जरी रिलेटेड हो पाए तो से सर्जरी रिलेटेड हुए बेले बेले आमर कौन हुए ना जो जगह आप फैट बाहर करुचे से जगार अति अधिक जदि फैट बाहर करदे से जगह गात भलिया हो जाए कि किसी कम जदि अनहिविन सरफेस हो पाए से जगह बेले बेले रेडनेस गोटे देखा जाए बेले बेले से जगह नमनेस देखा जाए जगार सेनसेसन रुए सहित गोटे फैट एम्बोलिज्म भी गोटे छोट कम्प्लिकेशन अच्छी जदिव तार इनसीडेन्स कम से गोटे हबार संभावना अच्छी तो डॉक्टर दास ब्रेक पर निर्देश आसला अति संक्षिप्त में जानवा को चाहिए गोटे रोगी के स्टेज में पहुंचला पर लाइपोसक्शन आवश्यकता होता है एवं किसी आर किसी निर्दिष्ट एज ग्रुप अच्छी एतिक एज पर हो पार ना लाइपोसक्शन आमर से मापदंड को आम यूज करूँ जो बीएमआई को जदि बीएमआई 35 रु कम अच्छी अर्थ ओवरवेट आ ग्रेड 1 ओबेसिटी रे दे आर आइडियल कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन आउ जदि 35 रु अधिक अच्छी ताहले ताकु बायरेट्रिक सर्जरी करा जाए केते प्रकार लाइपोसक्शन थाए हाँ लाइपोसक्शन मु जोटा कहली आपणकर फैट टाकु आमे सॉक करूचे तो तापई जो इक्विपमेंट यूज होची से इक्विपमेंट अनुसार प्रकार लाइपोसक्शन अच्छी जेमती गोटे सक्शन आसीस्टेड लाइपोसक्शन तो आमे कौन करूचे गोटे जो छिद्र करूचे से गोटे होल थिबा गोटे बाड़ी भलिया गोटे इंस्ट्रूमेंट दि जाऊँ कौन करूचे फैट टाकु सक कर बाहर ताकु सक्शन आसीस्टेड लाइपोसक्शन जोटा कि आपणकर 1980s स्टार्ट होता से ही स्टार्ट होता फर्स्ट जोटा स्टार्ट होता सक्शन आसीस्टेड लाइपोसक्शन तापर धीरे धीरे टेक्नोलोजी मॉडिफिकेशन आसी आम जोटा एवं चली गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहीपर पावर आसीस्टेड लाइपोसक्शन एथेर कौन हो जो बाड़ीटी आम गोटे छोट छिद्र द्वारा स्किन तले पूरा जाए कौन हो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर वाइब्रेट करले से फैट सेल्स को बेसी ब्रेक करि परुची आउ से फैट सेल्स गुड़ाक तरली जाइकरी से सक्शन द्वारा ताको ये होचोने तो सेटा हला पावर आसिस्टेड लाइपोसक्शन आउ गोटे प्रकार अच्छी आमर भेजर भेजर कहते तो सेटा गोटे जोटा आमर अल्ट्रासोनिक एनर्जी गोटे जाउची से बॉडी रे गोटे अल्ट्रासोनिक एनर्जी प्रोड्यूस होउची से अल्ट्रासोनिक एनर्जी कौन करुची ताको फैट गुड़ाक पूरा लिक्विफाए करुची आउ ताको पूरा लिक्विड स्टेट को नहीं आसुची तापर आम सक्शन करके बाहर कर जदि देखिबे वर्ल्ड वाइड ये तीन टा मेथड रे ही लाइपोसक्शन चली सक्शन आसीस्टेड लाइपोसक्शन आउ पावर आसीस्टेड लाइपोसक्शन आउ भेजर ता सहित किसी नुआ मॉडिफिकेशन आसी लेजर आसीस्टेड लाइपोसक्शन बट ये तीन टा जो मुझे कहली ये तीन टा ही बहुत पॉपुलर आउ पावर आसीस्टेड लाइपोसक्शन बहुत प्लास्टिक सर्जरी सेंटर रे व्यवहार होटा अलमोस्ट गोटे गोल्ड स्टैंडर्ड भाया कहुच्छे लाइपोसक्शन ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ओके डॉक्टर दास आम तो जानवाक चाहिए गोटे रोगी लाइफ स्टाइल के लाइपोसक्शन लाइपोसक्शन को आप आगे बुझा पड़ो लाइपोसक्शन टा कौन लाइपोसक्शन आम कहीं करुचे लाइपोसक्शन आम करुचे निजर फिजिक बा बॉडी रो कंटूर टा को चेंज करिवो आमे लाइपोसक्शन करूची आपण देखिबे जदि लाइपोसक्शन को लोक बेसी करूचंती जो माने यंग लोक आउ से माने तांकर कैरियर लाइक मॉडलिंग एक्टिंग ए सबु रे अछंती जो मानकर तांकर फिगर
तांकर फिजिक नहीं कि दे आर वेरी कंसर्न तो से माने ही लाइपोसक्शन करूचंती टू इम्प्रूव देयर फिगर और फिजिक एटा कोनोसी वेट लॉस सर्जरी आपण कहिले भूल होबो एटा होची हमर गोटे बॉडी रो बा फिजिक चेंज होची आपण सुनिले आश्चर्य हेबे जो माने डाइट एक्सरसाइज करिकिरी तांकर पेट ठीक करिकिरी ता बाद भी लाइपोसक्शन द्वारा सिक्स पैक एब्डोमेन भी करी होउछ ताकु आमे 3D लाइपोसक्शन बा हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन करूचो तो या द्वारा से माने तांकर सिक्स पैक जोटा हमर मॉडल एक्टर मान को देखिबे से माने करि पाछो अर्थात निजर आवश्यकता अनुसार गोटे व्यक्ति लाइपोसक्शन अनुसार तांकर जो ग्लैमर वर्ल्ड रे से माने अछंती तो से माने तांकर लाइपोसक्शन करूचंती आउ एटा वर्ष को दुई थर मिनिमम आराम रे करि होबो एटा जने चाहिले जेते थर भी करि परिबो आउ तापई एनेस्थेसिया दबा को पड़े हॉस्पिटल स्टे गोटे रु दुई दिन मात्र रुहे आउ सेई थरे से तांकर निजर फिजिक बा बॉडी आउ सबु जागारु लाइपोसक्शन करी हो कि आपण नेक आउ आपण आर्म पेटो जागारु थायरु निज आवश्यकता अनुसार गोटे व्यक्ति करि परबे लाइपोसक्शन बेसिक पर्पस जोटा लाइपोसक्शन बहुत जणकर गोटे एटा भ्रांत धारणा अछि जे लाइपोसक्शन द्वारा हमर ओजन कमि जीवो एटा एकदम संपूर्ण मिथ्या लाइपोसक्शन द्वारा केवल हां भ्रांत धारणा ओके डॉक्टर दान जानिबा को चाहू जे बैरियर सर्जरी कौन हाँ बायरेट्रिक सर्जरी जोटा लोकों को अच्छी जे वेट लॉस सर्जरी बायरेट्रिक सर्जरी को आपण वेट लॉस सर्जरी कही परिबा ताकु केते जण मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहंती काहेकि ना जो बहुत मोटा लोक अच्छा जो मानकर बीएमआई मोर दैन 35 अच्छी जो मैंने ग्रेड 2 ओबेसिटी बा ग्रेड 3 ओबेसिटी किंबा मॉर्बिड ओबेसिटी लोक मैंने से मैंने बायरेट्रिक सर्जरी द्वारा तांकर 6-8 मास भितर 30-40 किलो ओजन ह्रास हो तो ता फल कौन हो जो ओजन ह्रास हो ओजन ह्रास द्वारा तांकर डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाऊँच ब्लड प्रेशर कमी जाऊँच आंठू गंठी समस्या इम्प्रूव हो तो सेटा को आमे बैरियाट्रिक सर्जरी कहती यहाँ कौन हुए ना पेट भितर जो इंटरनल ऑर्गन जो अच्छी पाकस्थली अच्छी से पाकस्थलीटा को छोट कर दि जाए सहित जदि आम नियमित भाव एक्सरसाइज करवा डाइटिंग करवा तो सहित लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित करवा मोटापा निश्चित भाव धन्यवाद डॉक्टर दास आम सहित आज आलोचना करुते मोटापा कौन कौन पर मोटापा गोटे व्यक्ति को आक्रांत कर चिकित्सा पद्धति कौन दर्शबंधु शरीर गठन माँ पेटर ही होता है टेरापण से एक गठन तेरे टेरापण स्क्विन द्वारा कौन सब असुविधा होता है यार चिकित्सा कौन संभव चिकित्सा द्वारा जन मनुष्य कौन स्वाभाविक चक्षु पाइपर एमती अनेक प्रश्न उत्तर जानवा चक्षु विशेषज्ञ डॉक्टर मोनालिसा महापात्र जितेले नॉर्मल लोकों को आमे देखिबा से मानन को दी आखी गोटे ही डायरेक्शन ने देखे जदि कहारो गोटे आखी सीधा अच्छी आउ गोटे आखी बंका देखुची ताले सेटा होची स्क्विंट बा टेरापण सेतेले जो आखीटा बंका अच्छी सेटा आइदर भितर को बंका थाई पारे कि बाहर को बंका थाई पारे नाले ऊपर को कि तळ को बंका थाई पारे जेतेले दी आखी गोटे डायरेक्शन को देखे गोटे जिनस को दे फोकस करे आउ आखी भितरे गोटे से छविटा आसे आउ ब्रेन ताको स्टडी करे तो लोक माने गोटे ही छवि देखंती किंतु जदि कहार आखी बंका अच्छी टेरा अच्छी ताले दी आखी गोटे जिनस को कि दीटा जिनस को तफात माने अलग अलग देखे सेतेले कौन हुए कि ब्रेन रे दीटा छवि आसे गोटे समय रे से गोटे जगह को देखु थे किंतु दीटा छवि आसे तो सेतरु कौन हुए कि डिप्लोपिया बोली गोटे जिनस माने ताको दीदीटा देखा जीवो नहले कन्फ्यूजन हबो डिप्लोपिया और आइदर कन्फ्यूजन दीटा जिनस हे पारे तेणु आम गोटे समय रे जदि दीटा जिनस को देखिबा तले सेइटा से समय रे ब्रेन कौन करे जो आखीटा खराब अछि सेही आखिरु जो छविटा ब्रेन को जाउची सेटा को से सप्रेस कर दिए तो सेही आखिटा आगु को धीरे धीरे लेजी हे जाए आ गोटे कंडीशन छुआंकर डेवलप करे एई जोगुरु जहाँ को कहा जाए अम्लोपिया सेटा गोटे निर्दिष्ट समय भितर जदि न ट्रीटमेंट करा जाए 6 वर्ष कि 8 वर्ष बयस भितर तार ट्रीटमेंट जदि न हुए से गोटे परमानेंट डैमेज हो कि आखिरे रही जाए तापर आम तार जदि भी सर्जरी करवा कि चश्मा दबा जहाँ भी करवा किंतु से आखिर दृष्टिशक्ति आउ फेरेनी नॉर्मल आखि परिका आखिर मांसपेशी जदि वीक अच्छी से मांसपेशी रे मसल रे जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी कि से जो मांसपेशी को जो नर्व सप्लाई करछि सेतरे जदि किसी प्रॉब्लम अच्छी ताहले भी टेरा हेई पारे
ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେରିଡ଼ିଟେରୀ ଜିନିଷ ପରିକା ବି ଥାଏ, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଥିଲେ ଛୁଆଙ୍କର ବି କେବେ କେବେ ହୁଏ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଏଇଟା ଦେଖିଥାଉ। ନହେଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ଥାଏ କି ଆଖିରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବା କମ୍ ଅଛି ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ, ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟବେଳେ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି ଗ୍ଲକୋମା ଅଛି କି ଆଖିର ରେଟିନାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି ଆଖିର କଳାଡ଼ଳାରେ କିଛି ଦାଗ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଦେଖାଯିବା ଯେଉଁ କମିଯାଏ ଗୋଟେ ଆଖିରେ, ସେଇ ଆଖିଟା ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଟେରା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ କି ଦୁଇ ଆଖିରେ ଯଦି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଏରର୍, ଯଦି ଆଖିର ପାୱାର ଅଧିକା ଅଛି ଆଉ ଛୋଟବେଳୁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ବି ଟେରା ହେଇପାରେ ତା କାରଣରୁ। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆଖିରେ ମାଡ଼ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ବି ଟେରା ହେଇପାରେ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଆଖିରେ, ଦେଖାଯିବା କମିଛି କି ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଦେଖାଯିବା କମିଛି କେଉଁ କାରଣରୁ କମିଛି, ଆଖିରେ ପାୱାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁ। ଯଦି ଆଖିରେ ପାୱାର ଥାଏ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଏରର୍ ଯୋଗୁଁ ଆଖିରେ ଟେରା ହେଇଛି କି ଦେଖାଯିବା କମିଛି, ତାକୁ ଚଷମା ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କୌଣସି ସମୟରେ ଚଷମା ଦେଇକି ବି ଆଖିର ଟେରାଟା ସିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟେରାର ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ଟା, ଏଇଟା ଆଖିର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି, ମସଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଖି ବଲ୍କୁ ଆଇ ବଲ୍କୁ ସିଧା ରଖୁଛି, ସେଇଥିରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ। ଆଖି ଭିତରକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିନଥାଉ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପରେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଅପରେସନ୍ଟା କରିଥାଉ ବହୁତ ସମୟରେ, ତେଣୁ ଜେନେରାଲ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ କି ନିଶା ଦେଇକି କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ କି ଛୁଆ ସେଥିପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆନେସ୍ଥେସିଷ୍ଟ ମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିଥାନ୍ତି କି ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ଚେକଅପ୍ କରିକି ଫିଟନେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଛୁଆ ଜେନେରାଲ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆରେ ସର୍ଜରୀ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ଅପରେସନ୍ କରିଥାଉ। ଅପରେସନ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ, 15-20 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମୟ ଲାଗେ। କେବେ କେବେ ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ, କେବେ କେବେ ଦୁଇ ଆଖିରେ ବି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ରେ। ପିଲା କିଛି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇକି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଜେନେରାଲ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆରୁ ରିକଭରି ହେଲା ପରେ ପିଲା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ, ସବୁ ଆରାମରେ ତା'ର ଯେମିତି ଯାହା ନର୍ମାଲ୍ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ସବୁ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆଉଥରେ ଦେଖୁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉଥରେ ଦେଖୁ, ମାସେ କି 3 ମାସ ପରେ ଆଉଥରେ ଦେଖୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆମର ହେଲ୍ଥ ବୁଲେଟିନ୍। ଡକ୍ଟର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ରୋଗର, ସଚେତନତା ସହିତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ। ନମସ୍କାର।